दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज वैक्यूम बॉम्ब के बारे में। सबसे पहली बात तो ये है कि वैक्यूम बॉम्ब को फादर ऑफ बॉम्ब भी बोला जाता है। अब फादर ऑफ ऑल बॉम्ब इसलिए बोला जाता है क्योंकि अभी तक का जो सबसे बड़ा बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब जिसको हम बोलते हैं, ये उसके इक्विवेलेंट प्रभावशाली है। बट इसके इफेक्ट्स उससे अलग है। अब कैसे अलग है ये मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि जो वैक्यूम बॉम्ब होता है वो वर्क कैसे करता है। वैक्यूम बॉम्ब जहाँ पे भी जिस भी जगह पे ड्रॉप किया जाता है, उस जगह पे क्या होता है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स होते हैं, मेटल पार्टिकल्स, जिसकी वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन को वो सोख लेता है, वो सक कर लेता है, तो एक बादल की लेयर बना देता है। वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और ऑक्सीजन पूरी पूरी बाहर खींच लेता है। अब जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो इंसान को सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। और क्या करता है, और जब ये ड्रॉप होता है तो बहुत ही बड़े लेवल पे ये शॉक देता है, वहाँ पे उस जगह पे शॉक लगता है। और क्या होता है, जिसकी वजह से जो ह्यूमन बॉडी के इंटरनल जितने भी पार्ट्स होते हैं, इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे इंटरनल ईयर ऑर्गन हो गया, इंटरनल आपका लंग्स हो गए, इंटरनल किडनी हो गई, ये उन सबको बहुत जल्दी इफेक्ट करता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में इफेक्ट करता है। अब दोस्तों, आप लोग को ये बात जान के बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि इस बॉम्ब में इतनी ज़्यादा क्षमता होती है कि ये जो ह्यूमन बॉडी होती ना, उसको गलाने तक की भी हिम्मत रखता है। मतलब कुछ ही टाइम में ह्यूमन की जो बॉडी होती ना, वो धीरे 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 गलना स्टार्ट हो जाती है, मतलब वेपराइज होना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि ह्यूमन बॉडी में जो होता है ना, वो 80% हमारा वाटर होता है, लिक्विड फॉर्म होता है। तो जो ह्यूमन बॉडी होती है, ऑक्सीजन नहीं मिलती है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ह्यूमन बॉडी धीरे धीरे गलना स्टार्ट कर देती है। और तीसरी चीज़ ये कि ये जो वैक्यूम बॉम्ब होता है, ये बाकी जितने भी बॉम्ब्स हैं उससे ज़्यादा लास्ट लॉन्ग करता है, मतलब कि उससे ज़्यादा देर तक इफेक्टिव होता है। मतलब इसका जो प्रभाव होता है, जब ये ड्रॉप हुआ, जहाँ पे ब्लास्ट हुआ, तो जहाँ जब ड्रॉप हुआ उस टाइम से कितने लंबे समय तक उसका इफेक्ट रहता है, तो इसका इफेक्ट बाकी सब बॉम्ब से बहुत ज़्यादा रहता है। तकरीबन आप ये मान के चल लो कि उस जगह पे जहाँ पे ड्रॉप हुआ है, उस 300 मीटर के एरिया में इफेक्ट करता है, जहाँ पे ड्रॉप हुआ है 300 मीटर की रेडियस में इफेक्ट करेगा, और उस 300 मीटर की रेडियस में ये कम से कम मिनिमम 2.5 से 3 घंटे के लिए इफेक्ट करेगा। अब 2.5 से 3 घंटे के लिए आप सोच लो कि अगर आपको सांस लेने को ना मिले तो आपका क्या हाल होगा। और जो शॉक्स, जो वाइब्रेशन, जैसे गिरता है ना तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस होते हैं, आसपास का एरिया भी तबाह होता है, और जो शॉक लगते हैं ना एकदम से, जैसे होता है ना आप गाड़ी रोक दोगे, एकदम से चलती चलती गाड़ी रुक गई तो आपकी बॉडी को शॉक लगता है, वैसे ही शॉक लगता है कि आप खड़े हो, एकदम से कोई फोर्स आया, कोई हवाई, उसने आपको पीछे पुश किया। और ऐसा नहीं है कि आप घर के अंदर हो तो आप सेफ हो चार दीवारी के, नहीं, इसका शॉक इतना ज़्यादा होता है ना, आप घर के अंदर बैठे हो, इनफैक्ट आप किसी बंकर पे भी हो, बेसमेंट वाला जो अंडरग्राउंड बंकर भी होगा ना, इसका इफेक्ट वहाँ पे भी होगा, शॉक से भी होगा, बट बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा इसका ऑक्सीजन के कट ऑफ होने से। मतलब जब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा ना तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा बनकर में, क्योंकि वैसे भी ऑक्सीजन की कमी होगी ही होगी गाइस। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी यार वैक्यूम बॉम्ब के बारे में। अगर वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।